सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप. और मैं हूँ दीपक. और आज हम लोग फिर से एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आए हैं. बहुत सारे आंसर्स जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि जर्मनी कैसे मूव करें फॉर अ जॉब प्रोस्पेक्टिव, उसी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं. तो दीपक, थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताओ, ये क्या है? ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनको जर्मनी शिफ्ट होना है जॉब के लिए. तो जैसा कि काफ़ी लोगों को पता है कि जर्मनी में स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, काफ़ी टाइम से ऐसा सुनने में आता रहता है. तो अब जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनको रीरेगुलेट कर रही है, कुछ चेंजेस कर रहे हैं उनको, कुछ स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं चीज़ों को. और वो क्या बदलाव ला रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जर्मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, यूरोप से रिलेटेड. बहुत सारे लोगों को जॉब्स यहाँ पर मिली हैं वीडियोस देखकर, जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने कैसे जॉब फाइंड आउट करी. तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो था जॉब सीकर वीजा. तो जस्ट फॉर अ शॉर्ट दीपक, बता दो क्या होता है जॉब सीकर वीजा. बेसिकली ये जर्मनी एक वीज़ा प्रोवाइड करती है लोगों को, जैसे टूरिस्ट वीज़ा होता है, फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता है, ऐसे जॉब सीकर वीज़ा एक वीज़ा है उन लोगों के लिए जिनको जर्मनी आकर जॉब सर्च करनी है. फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर कोई आईटी में है या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है और उसको यहाँ पर आके उसको भरोसा है कि मुझे जॉब मिल जाएगी वहाँ पर, उनको 6 महीने का वीज़ा दिया जाता है. उनको कुछ दिखाना पड़ता है, इतना पैसा अकाउंट में है कि हम अपना खर्चा उठा सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप जॉब सर्च कर सकते हो. अगर आपको 6 महीने में जॉब मिल गई तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है, नहीं मिलती है तो आपको वापस जाना पड़ता है 6 महीने में. ये है जॉब सीकर वीज़ा. तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है, जो एक नया कैटेगरी या नई चीज़ जो कॉन्सेप्ट आने वाला है फ्यूचर में, उस पर हम बात करेंगे. हाँ, तो जॉब सीकर वीज़ा के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप देख सकते हो. तो ये जो न्यू पॉलिसी है जो गवर्नमेंट निकालने वाली है, सबसे पहली बात तो इसलिए कि यहाँ पर जर्मनी में आपने बहुत बार वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा, स्किल लेबर की शॉर्टेज है, और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पर स्किल लेबर की. उसकी वजह से यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी निकल रही हैं जिसके लिए जो लोग जॉब करने के लिए आना चाहते हैं यहाँ, और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जो ईजी हो जाए ना प्रोसेस, जो है वो ईजी हो जाए और उनको एक रिस्क भी ना हो यहाँ पर आने में, एंड उन्हें जॉब ईजली मिल जाए. मतलब सीधी सिंपल सी बात ये है कि उन्हें बहुत ईजली जॉब यहाँ पर मिल जाए. तो जैसा दीपक मुझे पता है कि US में एंड कैनेडा में खुद का ग्रीन कार्ड होता है ना, ऐसे ही जर्मनी भी एक मतलब इट्स इन प्रोसेस, अभी प्रोसेस में है, बट अभी इसके बारे में बात चल रही है. वो बोलते हैं उसे अपॉर्चुनिटी कार्ड, या फिर अगर जर्मन टर्म बोलूं तो चांसेन कार्टे. तो दीपक, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, वो क्या है? तो चांसेन कार्टे या अपॉर्चुनिटी कार्ड एक तरह की वीज़ा ही कह लो, एक तरह का वीज़ा है नॉन EU कंट्रीज़ के लिए भी, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या जो हमारी नेबर कंट्री, उनके बारे में बात कर सकते हैं. तो उनके लिए एक तरह का वीज़ा अपॉर्चुनिटी है जो जॉब सीकर वीज़ा टाइप ही है, लेकिन थोड़ा उसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे. थोड़ा चीज़ों को आसान किया जा रहा है लोगों के लिए, और उस पर अभी क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या क्या डिस्कशन चल रहे हैं, और वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा, और उसके लिए आप पहले से ही क्या तैयारी कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में बताएंगे. तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा कि जो होने वाला है ना नेक्स्ट ईयर या विद इन दिस ईयर, वो आप पहले से ही तैयारी कर सकते हो. अब मैं बैक टू टॉपिक आती हूँ. अपॉर्चुनिटी कार्ड, जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडियंस, फॉर ऑल द नॉन EU सिटीजन्स जो यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं और अपनी लाइफ एज अ सेटल यहाँ पर होना चाहते हैं. स्पेशली जर्मनी के बारे में मैं ये वाली बात बता रही हूँ. तो दीपक, क्या इसमें कोई रिक्वायरमेंट है? हाँ, तो इसमें जो अभी कॉन्सेप्ट, अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट में है, अभी कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला है, तो मैं जो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो बताता हूँ. तो अभी 4 रिक्वायरमेंट हैं जितना मतलब सुनने में आया है. पहली ये है कि आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए. सेकेंड ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से. तीसरा ये है कि
कि आपके पास कोई ना कोई यूनिवर्सिटी डिग्री है या वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वो सब होना चाहिए आपके पास। और उसके बारे में मैं एक चीज बता देती हूँ, जो हमारी डिग्रीज होती है इंडियन डिग्रीज, मोस्टली जो होती हैं वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, करवा सकते हो यहाँ की जो जर्मनी की जो भी एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू रिकॉग्नाइज करवाना अपनी डिग्रीज को, इट्स नॉट अ बिग टास्क। तो वो रिकॉग्नाइज डिग्री जो है वो आपको करवाना पड़ेगा यहाँ की एजेंसी के थ्रू, वो करवा भी लेना चाहिए। अच्छा, वो हेल्पफुल रहता है। इवन वो मेरे को भी जब मैंने यहाँ के जॉब सर्च करी थी तो मुझे भी उसकी जरूरत थी। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। तो आपको ये चार चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को कि आपके पास ये चारों चीजें हैं। और अभी ये भी सुनने आया है अगर इन चार में से तीन भी आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो गए आप चांशन काटे के लिए। उसके बाद होता क्या है, ये है वीजा ही, तो आपको वीजा प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको सारे फॉर्म फिल करना, एप्लीकेशन अप्लाई करना, ये सारी चीजें आपको सेम वीजा के थ्रू ही करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगेंगे। उसके बाद आपको ये चीज और शो करनी पड़ेगी कि आपके पास फाइनेंशियली कैपेबिलिटी है, आप यहाँ पर जितने भी टाइम रहेंगे उतना आप अपना खर्चा उठा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे सुरभि ब्लॉक्ड अकाउंट होते हैं तो उसमें आपको अपना अकाउंट में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा दिखाना पड़ेगा, जैसे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको दिखाना पड़ता है। सिमिलरली अब वो कितना होगा, कितने टाइम का वीजा होगा, उसके बारे में अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हम वो आगे आपको बताते रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2023 तक ये लॉ पास होने का गवर्नमेंट को ऐसा है कि वो उन्हें लॉ पास करना है 2023, बट यहाँ इसके पीछे बहुत सारी बात चल रही है जो वो लोग अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं खुद से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अल्टीमेट गोल ये है कि हम लोगों के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो पाए। और दीपक ने जो चार क्राइटेरिया बताए हैं या एलिजिबिलिटी बताई है, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इट्स जस्ट तीन चीज तो हमारे पास है ही है, B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि भी एक महीने दो महीने में जो है वो B1 आराम से लैंग्वेज सीखी जा सकती है। और जो इसमें एक जो डिफरेंस अभी मेरे को सुनने में आ रहा है, जो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वहाँ से मिल रहा है, वो ये कि पहले जॉब सीकर वीज़ा पर ज़्यादातर लोग IT बैकग्राउंड से आते थे जिनका अच्छा एक्सपीरियंस होता था। अब मिनिमम मेरे ख्याल में 2 या 3 साल का शायद एक्सपीरियंस मांगा जाएगा जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है। तो आपने अगर आपका करियर शुरू भी हुआ है 2-3 साल हुए हैं या आप कोई डिफरेंट इंडस्ट्री में भी हैं तो उसके लिए भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे फ्यूचर में, जिसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो चाहे IT हो या डिफरेंट डोमेन भी हो सकते हैं। तो एक तरह से ये जॉब सीकर वीज़ा को थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, थोड़ा आसान बना रहे हैं लोगों के लिए, ताकि इनको स्किल्ड वर्कर दुनिया भर से मिल सकें। तो एक बहुत ही अच्छी, मतलब मैं तो बताऊँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी खबर है, पर हम आपको अभी सजेस्ट करेंगे कि अभी टाइम है, जैसे सुरभि ने बोला ये 2023 एंड तक ही जाके इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा अभी इसमें। तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर या 1 ईयर तो एक पूरा बोल ही सकते हैं, वो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। और क्या क्या आप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे सुरभि। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, 1 साल अच्छा टाइम है, आप पूरे डेडिकेशन के साथ जितने ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं वो सीख लो। B1 रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं आप B1 तक ही करो, B2 C1 कर सकते हो, कर लो। एक चीज़ और दीपक मैं यहाँ बताती हूँ, क्योंकि जर्मन जो है वो ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर भी चलती है, मतलब जर्मन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, इवन स्विट्जरलैंड में। तो ऑस्ट्रिया में भी जो है स्किल वर्कर की कमी है, वो लोग वो कंट्री भी जो है उनको शॉर्टेज है। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज पहले से ही सीख लेते हो, ऑफकोर्स जर्मनी में लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं, ऑलरेडी हैं जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू, बट और भी कंट्रीज़ हैं जो कि जिस अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते हो, अभी से प्रिपेयर करने लगते हो और B1 या B2 तक कर लेते हो, तो आपको और भी कंट्रीज़ के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन के लिए हम लोग सबसे पहले सजेस्ट ये करेंगे कि यू हैव टाइम, एंड ये लॉ कभी ना कभी तो पास होगा, बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ पर जॉब्स बहुत हैं लेकिन लोग बहुत कम हैं। इनका एक फ्यूचर प्रेडिक्शन भी होता है कि फ्यूचर में हमारे पास कितने स्किल्ड लोग हैं, कितनी जॉब्स निकलेंगी आगे चल के, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसके बेसिस पे ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितनी शॉर्टेज है स्किल्स की। तो उसी के बेसिस पे ये सब चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं और ये इम्प्लीमेंट होना है जैसा सुरभि ने बोला। तो डेफिनेटली लैंग्वेज सबसे पहले कर सकते हैं आप। दूसरा, आप 100%
हर किसी के पास इतना बैंक में अकाउंट नहीं हो, बैंक में इतना पैसा नहीं होता जितना आपको दिखाना पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है मिनिमम 8-10 लाख तो होगा। हाँ, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ये जितने भी टाइम का वीजा देंगे, वी डोंट नो द टाइम बेसिस पे, तो पर मंथ यहाँ का जो भी एवरेज कॉस्ट होता है वो उतना ही ब्लॉक अमाउंट कराएंगे। अभी के केस में कुछ 850 यूरोस के लगभग है, तो आप उतना समझ लो। तो अगर आप जैसे एक साल का भी मिलता है तो यू कैन लाइक 10-11 लाख उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो और अभी से प्लान कर सकते हो कि आपको 2024 के स्टार्टिंग में आपके अकाउंट में आप इतना पैसा कैसे भी अरेंज करके रखते हैं ताकि आप यहाँ पर इस वीजा पे आके जॉब सर्च कर सकें। क्योंकि डेफिनेटली आप, मुझे नहीं पता उसमें पार्ट टाइम जॉब अलाउड होगी या नहीं होगी, वो सब चीज़ें टाइम के साथ पता चलेंगी और हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन अगर नहीं अलाउड हुई तो आप अपना खर्चा उठा सकते हो, आप कितने टाइम तक यहाँ रह सकते हो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आप लिस्ट बना लीजिए कंपनीज़ की, कहाँ कहाँ जाके मैं जॉब अप्लाई करना है, किस सिटी में जाना रहेगा, जर्मनी के किस एरिया में जाना, अभी से रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, डेफिनेटली ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ। एक और चीज़ दीपक, प्रिपरेशन के लिए तुमने, मतलब हमने दो चीज़ कवर करी, एक लैंग्वेज कवर करी एंड दूसरी जो तुमने बोला कि अकाउंट में बैलेंस दिखाना, तो उसके लिए सेविंग करना या अरेंजमेंट करना पैसों का, दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ यूनिवर्सिटी डिग्री को रिकॉग्नाइज करवाना। तो अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जर्मनी आने के लिए तो आप ये जर्मन एजेंसी के थ्रू करवा सकते हो रिकॉग्नाइज पहले से ही, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड मोस्टली जैसे हमारी जो डिग्रीज थी, जैसे मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री थी एक कॉलेज, मतलब इंडिया के ही एक कॉलेज से, दीपक की भी, तो हम दोनों की डिग्री जो है वो ऑलरेडी मतलब उनके सिस्टम में ये जो कॉलेजेस थे वो ऑलरेडी थे, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमारी डिग्री जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिकॉग्नाइज। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज होती हैं, पर वो है कि अगर आपके पास वो रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट रहता तो आपके लिए और ईजी हो जाती है चीज़ें, तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कभी नुकसान नहीं करेगा। तो ये तीन चीज़ हो गई जो आपको कराना है। उसके बाद अब जैसे चार फोर्थ क्राइटेरिया तो बस ये है कि आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। उसका भी रीज़न मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो रीज़न ये है कि इन लोगों को जो यंग क्राउड है उसको लेके आना है ताकि वो लॉन्ग टर्म यहाँ पर काम करें और यहीं आके सेटल हो जाएं, दैट्स द रीज़न। क्योंकि इनको वर्क फोर्स चाहिए बेसिकली। हाँ, तो ये है। पर एज इज़ नॉट अ लिमिट फॉर इन द जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं है अभी, तो हमें नहीं पता, हो सकता है ये क्राइटीरिया एलिमिनेट हो जाए जब फाइनल लॉ जो जब पास हो, तो वी डोंट नो दैट। तो हम वेट करते हैं उसके लिए, है ना। और आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और जिन्हें इंटरेस्ट है वो अभी से इस बारे में मतलब थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करें और हम भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे और जैसी ही चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम आपसे पूरा शेयर करेंगे ताकि आपका अगर कुछ भी फायदा हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या है। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे पुराने भी मतलब कुछ वीडियोस बनाए जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बेसिस पर आप जर्मनी आए या जर्मनी में आके जॉब कर रहे हैं। तो अब हम लोगों का मतलब अब बिकॉज नए नए रूल्स पास हो रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन पक्का आपके लिए काम की रहेगी। पहले से पहले इसलिए बना रहे हैं हम ये वीडियो ताकि आप लोगों को इतना टाइम मिल पाए कि आप प्रिपेयर कर सको इस चीज़ के लिए। और जब फाइनली ये लॉ जो है वो पास हो जाएगा, जो बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे पक्का ये यकीन है, तो हम लोग फिर आपको अपडेटेड वीडियो लेके आएंगे कि क्या है पूरा लॉ और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कैसे आ सकते हो आप, ब्लॉक अकाउंट में कितना मनी जो है सेव करना पड़ेगा, वॉट एवर जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन के साथ हम आएंगे आपको। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम चलते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा हो वो ज़रूर कमेंट करना। और हम लोगों की बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या MBA किए हुए या जो बाहर एज ए फॉरेन कहीं पर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनसे शेयर करना। और बाकी सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक करे बिना मत जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे दूसरे वीडियोज़ हैं वो भी देखना, वो भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।